श्री धर्मदेव जी, उनके मोबाइल पर एक अश्लील जो है वीडियो चली एक वीडियो कॉल के जरिए, जिसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने कॉल कट कर दी, और जिसमें तथाकथित रूप से साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, और उन्होंने उसकी तुरंत कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट के पश्चात पुलिस ने तुरंत इसमें तकनीकी जांच के उपरांत तीन अपराधियों को अब तक अपने गिरफ्त में लिया है, जिसमें दो अपराधियों को हमने 8 घंटे के अंदर ही वहाँ नूह से जिला नूह से रेड करके उनको जो है गिरफ्तार किया था। इनके नाम तालीम व आमिर पुत्रान मोहम्मद रिसाल, निवासी चारोकरी हैं, जो कि दोनों भाई हैं। इसके अंदर जो तालीम का जो रोल था वो निकल के आया था कि तालीम जो है यूट्यूब और पुलिस वाला बनकर जो है जब भी इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड की जाती है तो उसके अंदर जो पैसे मांगने का यानी ब्लैकमेल करने का काम होता है वो तालीम द्वारा किया जाता है। और जो आरोपी आमिर है ये ट्रक ड्राइवर है और दूर दराज के इलाकों से ये फर्जी सिम जो है खरीद कर अपने भाई को प्रोवाइड करता है। इन्हीं के गैंग में एक तीसरा व्यक्ति वो शामिल था जिसने ये कॉल की थी, उसका नाम पूछताछ में फैज मोहम्मद पुत्र महमूद निवासी कुलावड़ हाल जरोकरी जो है ये इसने एक्चुअली ये कॉल की थी। सो इस आरोपी को भी आज सुबह हमारी टीम के द्वारा करीब 4 बजे नूर से गिरफ्तार किया गया है, यहाँ पर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। पहले जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनकी हमने 3 दिन की पुलिस रिमांड ली थी। रिमांड के दौरान काफ़ी अहम जो है रिकवरीज उन्होंने करवाई हैं, उन्होंने तकरीबन कुल 13 मोबाइल फ़ोन और 15 मोबाइल सिम जो है इस दौरान बरामद करवाए हैं, जिनको चेक करने उपरांत जिसमें से करीब 6 फ़ोन हमने अभी तक चेक किए हैं, जो चेक तकनीकी विश्लेषण के दौरान करीब 250 से अधिक व्हाट्सएप के ऊपर विक्टिम्स को इन्होंने वीडियोस एवं चैट की हुई है एवं कॉल की हुई है। जिन 250 कॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें अभी तक की चेकिंग पे पंजाब से 88 विक्टिम्स हैं, पश्चिम बंगाल से 16 विक्टिम हैं, हिमाचल प्रदेश से 65 हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 17 हैं, कोलकाता से 24, महाराष्ट्र से 29 और इस प्रकार से अन्य कई राज्यों से कुल 17 राज्यों के जो विक्टिम हैं उनको इन्होंने कॉल की हुई है। हमने इनसे कॉल बैक करके पूछना चाहा कि उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज की है, काफ़ी सारे विक्टिम्स ने मना कर दिए क्योंकि यह सेक्सटोर्शन जैसा क्राइम है, इसमें विक्टिम चाहते नहीं हैं कि उनकी बात आगे सामने आए। तो हम इस पूरे डेटा को I4C के साथ भी साझा करेंगे ताकि इनके जितने भी जुड़े हुए इनके द्वारा जितने भी लोग ठगे गए हैं उन सभी के बारे में पता लगा सकें एवं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारी हम फिक्स कर सकें। जो डाइज नहीं, इनमें कोई VIP, देखिए अभी एक एक व्यक्ति से तो पूरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक जो चेकिंग की है उसमें कोई VIP नहीं है। रैंडम नंबर सीरीज चेक करते हैं और उनको कॉल करते हैं, जो भी इनकी वीडियो कॉल उठा ले उसको वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग को ये उसके पास भेज कर और पैसे मांगने का प्रयास करते हैं। सर, MP साहब को जब कॉल की गई तो इस उद्देश्य से उन्होंने कॉल की थी? नहीं, इन्हें नहीं मालूम था कि किसको कॉल कर रहे हैं, इन्होंने रूटीन अपना जिस प्रकार से डेली कोई ना कोई नंबर लगा के फ़ोन करते हैं उसी प्रकार से इन्होंने कॉल की थी। कुछ पैसे भी ये पाए हैं किसी से, कोई पैसे भी नहीं? इस केस में तो ये तुरंत कंप्लेंट हो गई थी और इन्होंने तब तक पैसों की डिमांड नहीं रखी थी, शायद पहले बड़े 17 राज्यों में, हाँ उसमें निश्चित तौर पे इन्होंने पैसों की डिमांड की है, पैसे ट्रांसफ़र भी किए हैं, वो सब हमारी जांच का विषय है कि किन अकाउंट्स में पैसे गए हैं, उन सब पे हमारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने पैसे की डिमांड करते थे ये कॉल करके? देखिए ये पे करने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार से लेकर 3 लाखों तक जिसकी जैसी कैपेसिटी हो उस हिसाब से ये जब बात करते थे उससे आइडिया लगाते हैं कितना पैसा दे सकता है और उसके हिसाब से ये पैसों की डिमांड करते रहते हैं। सर, उतने लोग शामिल हैं इस गैंग के अंदर, हालांकि 3 तो अपने उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, और भी बड़ा देखिए ये छोटे छोटे गिरोह में काम करते हैं, जैसे कि ये 3 हैं, इसमें ये एक ग्रुप बन गया, तो ये फर्जी सिम ला रहा है मोबाइल के अंदर, इसको डाल के कॉल कर रहा है और एक उसमें पैसे ऐठने के लिए बात कर रहा है, तो ये अपने आप में एक गिरोह बन गया। इस पर्टिकुलर क्राइम में ये तीनों ही शामिल थे, इस प्रकार के अन्य इस तरह के और अन्य ग्रुप भी होते हैं जो इसी प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। तो सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया इनको? इनको इनके गांव से चारोकरी से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस द्वारा तुरंत दबिश देने उपरांत 8 घंटे के अंदर ही हमारे द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी गई थी, शेष आरोपी था उसको आज सुबह गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, तीसरे का रिमांड अब पेश करके लेंगे। 10th, हाँ इंटरमीडिएट ही हैं ये लोग, ज़्यादा
नहीं पड़ी है। देखिए जैसा कि पहले भी इस तरह की बड़ी बड़ी रेड्स की गई हैं नूह के अंदर, तो उसके अंदर भी यही बात निकल के आई थी कि आपस में एक दूसरे से सीख लेते हैं। एक व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो गांव में अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में अच्छे से आ गया, तो वो इनको सरल भाषा में किस प्रकार से क्या काम करना है, वो आपस में पीयर लर्निंग होती है, एक दूसरे से सीखते हैं और उसी से अपराध के बारे में काम करते हैं। इसीलिए एक ही तरह का मॉडल ऑपरेंडी भी रखते हैं। तो सर आम आदमी ये ऐसे कॉलों से कैसे सावधान रहे, कितने सेकंड तक कॉल करने पे है या कैसे साथ प्रोड्यूस? देखिए इस पर्टिकुलर क्राइम की बात करें तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल आना अपने आप में सस्पिशियस बात है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए अननोन नंबर से, जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उससे वीडियो कॉल पर नहीं आना चाहिए हमें। इसके साथ साथ सस्पिशियस नंबर कोई भी आपके पास अगर कोई फ़ोन करता है आपको किसी भी प्रकार का लाभ का वो आपको लालच देता है, तो आपको इस किसी भी तरह के लालच में नहीं आना चाहिए। कोई बैंक कर्मी या किसी इत्यादि बन के फ़ोन करता है तो आपको संबंधित जो ऑफिसर्स हैं या संबंधित जो ब्रांचेस हैं उसमें जाके फिजिकली चेक करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि आपको क्या कितना रुपया दे है या नहीं है। आपको ऐसे ही फ़ोन कॉल पर विश्वास करके किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता की प्रथम दृष्टिया वो साइबर अपराध नहीं लगता है, वो पर्सनल आपस में मैसेजेस दिए गए हैं उसमें जो वीडियो उन्होंने बात की है जिसने दी है उसके बारे में जांच चल रही है, वो उस श्रेणी में नहीं है। सर इससे पहले कोई भी मामला दर्ज हुआ साइबर क्राइम का या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हमने संबंधित थाने से चेक करना पड़ेगा, अभी चेक नहीं किया है इनके ऊपर और कितने मामले दर्ज हैं वो चेक करेंगे। थैंक यू।